गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. ओके, तो अब हमारे टाइप में नेक्स्ट चल रहा है 1/a cos x + b sin x विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. अब इससे पहले हमने देखो 1/a cos x + b sin x + c ये कॉन्स्टेंट को देखते हुए इसको कंपेरेटिवली आप देखो टाइप में. इस टाइप में हमने लिखवा के दिया a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर. याद है 1/a + b sin x, 1/a + b sin + c cos, 1/a. मैंने कहा था कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर में आपका c अगर जीरो रहा तो वो 1/a sin + b cos इस फॉर्मेट में भी रह सकता है. ओके, उस स्टेप में हमने कहा था कि पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ एलेफ बाई टू, यानी कि पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई टू. कहा था, यानी कि इस टाइप में हम पुट t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाई टू से भी कर सकते हैं. यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो. समझ में आ रहा क्या, यहाँ पर c इज इक्वल टू जीरो है तो हम t इज इक्वल टू tan x बाई टू से भी इसे कर सकते हैं. लेकिन उसके अलावा जब c इज इक्वल टू जीरो होगा, ये c क्या है, नॉन जीरो, तो यहाँ कंपल्सरी पुट t इज इक्वल टू tan x बाई टू से ही करो, तो आपको इजी वे में इंटीग्रेबल मिल जाएगा. और यहाँ c इज इक्वल टू जीरो है तो आप उससे भी कर सकते और साथ ही में एक वाला जो अभी एल्गोरिथम है इससे भी कर सकते. हमने इसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी अप्लाई किया हुआ है और इससे पहले भी काफी क्वेश्चंस में दूसरे चैप्टर्स में इसका यूज किया हुआ है कि ये a cos + b sin में a स्क्वायर + b स्क्वायर का रूट लेकर उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड एडजस्ट करेंगे a अपॉन रूट ऑफ + b अपॉन रूट ऑफ. और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में हमने इससे अगर डिवाइड किया इस डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा तो हमें बाहर जाएगा. तो हियर वी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वेरी सिंपल. और अब यहाँ क्या करना है, ये एक फ्रैक्शन आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. यहाँ पर क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक साइड रहेगी ए और एक बी रहेगी, तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अब जाके हम क्या करेंगे, किसी ये वाला एंगल अगर हम चॉइस कर लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए a अपॉन रूट ऑफ ये बनेगा cos अल्फा और b अपॉन ये रूट ऑफ क्या बनेगा sin अल्फा. अगर इस एंगल को मैंने ये अल्फा इंडिकेट कर लिया तो एक फ्रैक्शन बनेगा sin ऐसा और एक फ्रैक्शन बनेगा cos. अगर ये एंगल ले लू तो ये बनेगा sin और ये बनेगा cos उस एंगल के लिए, समझे. यानी कि इस रेशियो को या तो आप sin ऑफ एक पर्टिकुलर जो भी एंगल होगा अगर वो आपका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, अब अगर जानते हो ये 1/√2 है तो आप इजीली उसकी जगह पर साइन पाई बाय 4 या फिर कॉस पाई बाय 4 ले सकते हैं. अगर √3/2 है तो आप साइन 60 यानी कि साइन पाई बाय 3 या फिर कॉस 30 आप ले सकते हो. लेकिन वो फ्रैक्शन आपका स्टैंडर्ड यानी कि आपके लर्निंग में नहीं है, बट कोई तो -1/1 के बीच का फ्रैक्शन रहेगा कि नहीं, तो उस फ्रैक्शन में किसी तो एंगल के लिए वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो या कॉस रेशियो रहेगा. तो आप किसी वो पर्टिकुलर एंगल को अल्फा से इंडिकेट करके एक रेशियो को साइन अल्फा ले लो कंसिडर, तो दूसरा क्या बन जाएगा कॉस अल्फा. और अगर इसे कॉस अल्फा ले लिया तो बन जाएगा साइन अल्फा, वो तो डेफिनेटली वो नहीं है. अब किसे कौन सा लेना है, इसे साइन लेना या कॉस लेना. ओके, तो कन्वीनियंट जिसके लिए फॉर्मूला बन रहा आपकी आइडेंटिटीज है कौन से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी. तो ये कन्वीनियंट आइडेंटिटी जो आपको कंफर्टेबल मिलेगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पुट करना है साइन तो कॉस या फिर कॉस तो साइन. समझ में आ गया, उससे क्या बनेगा, अब देखो इस एल्गोरिथम से उससे हमारा ऐसा ये कांस्टेंट जो है, मैं ऐसे काम करूँ थोड़ी देर के लिए, ये कांस्टेंट जैसे का वैसा रहेगा और ये डी एक्स एक की जगह सपोज मैंने पुट कर लिया साइन अल्फा और ये कॉस एक्स और प्लस ये कॉस अल्फा और ये साइन एक्स, आपने ऐसा नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है, ये समझना है. तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी. तो ये कॉन्स्टेंट जैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये बनेगा आपका साइन ऑफ a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस एक्स बनेगा. और कुछ जगह क्या होगा कोसेक और कोसेक ऑफ एलिप का इंटीग्रल आप फाइंड कर सकते हैं. समझ में आ गया, वो गया इंटीग्रेबल बन चुका है. तो आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया. तो ये एल्गोरिथम का फाइंड कब हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जब कॉन्स्टेंट जीरो होगा. तो इसके अलावा भी इसके अंदर कौन से मेथड को फॉलो कर सकते हैं,
लेकिन अगर सी जीरो रहा तो हमको उससे भी ज्यादा इजी ये वाली मेथड हो जाएगी इस टाइप के लिए. ठीक है, राइट डाउन दिस वन. हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा कि 1/√3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. यहाँ पर a = √3 और b = -1. तो कम ये क्वेश्चन का टाइप क्या हुआ, 1/a cos + b sin या 1/a sin + b cos, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इस तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड बाय रूट ऑफ किसका स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस ये माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज डिवाइड बाय क्या आएगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3, 3+1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2. इस तरीके से डिवाइड बाय 2. आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप देयरफॉर करके डायरेक्टली लिख सकते हैं i = 1/2. मतलब न्यूमरेटर को 2 से आपने डिवाइड किया तो आप डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे. और ये आपका स्टैंडर्ड एक फ्रैक्शन आ चुका है जो हम जानते हैं. वो अगर मैं साइन पुट करना चाहती तो साइन 60 बनता था, और अगर कॉस पुट करना चाहूं तो ये कॉस 30 बनेगा. तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह साइन ए कॉस बी ये आइडेंटिटी लाने के लिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसकी जगह हम कॉस ले लेते हैं. और वो एंगल हमें पता नहीं रहता तो उसकी जगह पे कॉस अल्फा लेती थी, अल्फा समथिंग एंगल जिसके लिए फ्रैक्शन बनता. लेकिन फ्रैक्शन के लिए मुझे एंगल पता है तो वो पता होने वाला ही एंगल यहाँ आपको रखना होगा. समझ में आ गया, ओके. और इस प्रकार से ये 1/2 की जगह पर, और ये वैसे वर्षा होना ही है साइन ऑफ अभी 30 जहां सब. तो इस तरीके से आपका आइडेंटिटी देखो क्या आया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी ऊपर जाके क्या बनेगा न्यूमरेटर में, कोसेक ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 6 ये रहा आपका डी एक्स, और ये रहा 1/2 इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ का फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ का फॉर्मूले, कोसेक माइनस कॉट अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, दूसरा log tan of elif by 2, elif by 2 मतलब इनके by 2, x by 2 minus pi by 12 हो जाएगा ना, by 2 करेंगे तो, और ये रहा मोड कंप्लीट अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट elif, यानी कि इसका x का कोएफिशिएंट क्या है 1, 3, 1, और ये रहा आपका प्लस कॉन्स्टेंट. ओके, राइट डाउन दिस वन, और ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद से तैयार करो, और उसके बाद में टेक्स्ट बुक से भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते. ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर टाइप nth पावर ऑफ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक. इसमें हम स्पेशली देखेंगे ऑड पावर ऑफ साइन एंड कॉस अगर रहा तो क्या होगा, ऑड. ओके, ऑड में से अगर एक बाजू में ले लिया तो बचेगा इवन पावर, और साइन बोलो या फिर कॉस उसके इवन पावर को इजीली कॉस में या साइन में कन्वर्ट कर सकते. वैसा साइन होगा तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते, और अगर कॉस का इवन पावर होगा तो साइन में. कैसे, देखो साइन टू द पावर 10 है, इवन हो ना तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का पावर 5 बन जाएगा, पावर की पावर. अब साइन स्क्वायर को इजीली 1 - cos² लिख सकते हैं, ये पावर 5 जैसे का वैसा. अब देखेंगे आप, ये बन गया आपका फंक्शन ऑफ कॉस, फंक्शन ऑफ कॉस, और कॉस के डेरिवेटिव में साइन आता है. तो क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे, तो पुट कॉस एक्स = t, देन उसका डेरिवेटिव माइनस साइन डी एक्स डीटी, साइन एक्स डी एक्स - डीटी, देन क्वेश्चन बिकम्स क्या बनेगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 - कॉस की जगह पर टी का स्क्वायर और रेस्ट पावर 5, और ये रहा आपका माइनस डीटी. माइनस को ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ या लगाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. कल देखे थे ना अपन ने, कल के वीडियो में 1 - x / n, सबसे पहले लेंगे एन सी जीरो यानी कि 5c0 1 आएगा, 5c0 का 1 बनता है. ठीक है, और ये रहा 1 माइनस 5c1, यहाँ आएगा टी स्क्वायर का पावर 1 प्लस 5c2, ये रहेगा टी स्क्वायर का पावर 2,
फोर उसके बाद क्या आएगा बोलो माइनस फाइव सी थ्री टी स्क्वायर का पावर थ्री प्लस फाइव सी फोर टी स्क्वायर का पावर फाइव टेन उसके बाद में फोर क्या आएगा एट ओके और माइनस फाइव सी फाइव तो लिखने की जरूरत है क्या फाइव सी फाइव का वन बन जाएगा लास्ट में टी स्क्वायर का पावर फाइव दैट मीन्स टेन और बराबर वो टेन पावर का था ना टेन पावर पर रुकना चाहिए और ये रहा आपका डी टी क्योंकि माइनस को मैंने कहा ले लिया बाहर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्या आएगा हाँ आप चाहो तो ये माइनस को ना सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन करें कि रहने रहने फिलहाल है ना तो ब्रैकेट ऐसा हाँ वन माइनस फाइव टी स्क्वेयर फाइव सी क्यू का मतलब फाइव इंटू फोर अपॉन टू इंटू वन टेन तो क्या आएगा आपका प्लस टेन टी का पावर फोर माइनस फाइव सी थ्री का मतलब फाइव सी टू बनेगा फाइव सी फोर का फाइव सी वन बनेगा और माइनस टी का पावर टेन और ये रहा आपका डी टी और आगे आपको कुछ नहीं करना है इंटीग्रेट ही करना है ओके कुछ नहीं करना मतलब ऐसा बैठना नहीं हाँ बोर्ड वाले मार्क्स काट देंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वन का इंटीग्रल बोलो टी टी आएगा माइनस फाइव इंटू टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस टेन इंटू टी पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टेन इंटू टी पावर सेवन अपॉन सेवन प्लस फाइव इंटू टी पावर नाइन अपॉन नाइन माइनस टी का पावर इलेवन अपॉन इलेवन ये ऐसा है बड़ा प्यार लगता है सी ओके ओके फिर क्या होता है टी की जगह पर अगर एक आपने नहीं सब्स्टिट्यूट किया तो एक मार्क डोनेशन में चले जाएगा ठीक है तो टी क्या है आपका बोलो तो क्या आएगा बोलो माइनस अब मैं दे दूंगी माइनस कॉस एक्स फिर ये क्या आएगा माइनस फाइव बाई थ्री कॉस टू द पावर थ्री और इसको डिवाइड करो टू प्लस टू फिर ऐसे कर करके सब जगह पुट कर दो और वो रहेगा आपका आंसर राइट ऑन दिस वन नाउ स्टूडेंट्स हियर कॉस टू द पावर सेवन अगर दिया है यहाँ पर तो ये एक्स की जगह यहाँ अगर कुछ भी होता इवन ये टू एक्स प्लस थ्री अगर मैं पेपर निकालू ऐसा कुछ करूँ ठीक है तो एक्स की जगह टू एक्स प्लस थ्री यानी कि एलएफ के नाम पे ही कुछ आएगा कि नहीं तो ये एलएफ की जगह अगर कुछ आया तो हम क्या करेंगे वही वाला एलएफ लेंगे ना तो ये इस तरीके से ये ऐसा और एक कॉस को क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे क्योंकि ऑड पावर रहा तो एक को बाहर ले लो इवन पावर को बैलेंस रखो और इवन पावर को बाद में क्या करेंगे अपन स्क्वायर का रिमेनिंग डिवाइड करके जो आएगा वो ये आपका एंगल और ये ब्रैकेट और ये रिमेनिंग में डिवाइड करके क्या आएगा थ्री ओके और इनटू ये रहा जैसे का वैसा और ये रहा डीएक्स अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर को हम लोग वन माइनस साइन स्क्वायर करेंगे एंगल ये ब्रैकेट और इनटू ये रहा आपका कॉस अब क्या बोलेंगे साइन के डेरिवेटिव में दिस इज फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एल साइन के डेरिवेटिव में कॉस आता है तो फिर क्या करेंगे साइन का जो एल एफ के साथ में साइन एल एफ इज इक्वल टू टी पुट करेंगे उसका डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ इंटू टू इसका डेरिवेटिव आएगा ना टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और फिर ये टू जो है ना ये अपॉन में आ जाएगा तो इसकी जगह पर डीटी बाई टू आएगा इसके प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस डीटी आया था तो माइनस को लेकर हमने साथ चले जाना अभी वन बाई टू को साथ में लेके चलेंगे इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर और ये कॉस कन्वर्ट हो जाएगा तो वन माइनस ये आपका तो पावर क्या था आपका थ्री फिर आज अभी अपन ने किया तो इसको बोलेंगे डू यूर सेल्फ ये आपको खुद से करना है ठीक है राइट ऑन दिस वन नाउ द टाइप इज अनदर पावर ऑफ टेन एक्स और कॉट एक्स अनदर पावर में मैंने ऑड या इवन मेंशन नहीं किया वो ऑड भी हो सकता है वो इवन भी हो सकता है नेचुरल पावर में पकड़ लो आप नेचुरल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओके तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कॉट या फिर टेन का पावर कोई भी चाहे ऑड चाहे इवन कुछ भी हो क्या करेंगे टेक टू पावर असाइड जैसे साइन या कॉस में ऑड पावर केस में पढ़ने क्या बोला टेक वन पावर यानी कि एक टर्म
पावर को लेके बाजू में लिया अपन ने, यहाँ के बोलने पावर टू असाइड में लेने का पावर टू, तो टेक पावर टू असाइड। अब ये कोई ये जो लैंग्वेज है बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, ये अपने घरगुती लैंग्वेज है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि पावर टू असाइड में लेना है, मतलब कॉट टू द पावर जितना भी होगा उसमें से टू पावर को बाजू में ले लो, बाकी के साथ में क्या करना है वो अपन देखते हैं। तो टेक टू पावर असाइड में तो कॉट स्क्वेयर को बाजू में ले लो तो क्या बचेगा, फिर एट पावर बचेगा। ओके अब वहां पे क्या कर रहे थे, इसको कन्वर्ट कर रहे थे एक सिंगल पावर को बाजू में लेके, अब यहाँ इसको करना है और इसलिए पावर टू ही बाहर लिया, तो भी कॉट स्क्वेयर का फॉर्मूला बनता है कोसेक स्क्वेयर माइनस वन। अगर ये क्वेश्चन आपका टेन का होता तो यहाँ पर आता था टेन का स्क्वेयर, तो इसकी जगह लिखते थे सिक्स स्क्वेयर माइनस वन लिखते थे। ओके अब इससे क्या करना, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप देखेंगे कॉट के डेरिवेटिव में कोसेक स्क्वेयर आता है, तो कॉटेक्स को अगर मैं टी पुट कर दी तो कोसेक स्क्वेयर डीएक्स का माइनस डी टी वगैरह जो बनना बन जाएगा, तो ये टर्म आपका इंटीग्रेबल बन चुका है। लेकिन वॉट अबाउट दिस, अगेन वापस से क्या कह रहे हैं, nth पावर ऑफ कॉट फिर से आ गया ना, फिर वापस से क्या करेंगे nth पावर ऑफ कॉट को फिर टेक टू पावर असाइड, तो बाजू में क्या करेंगे अपन टू पावर को फिर से बाजू में लिया तो कॉट का पावर सिक्स आएगा, फिर वापस से क्या करेंगे कॉट स्क्वायर की जगह पर कोसेक स्क्वायर माइनस वन, फिर इसको आगे क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वापस से इसका सब्स्टिट्यूशन आएगा, फिर कॉट इन ये पावर कॉट टू द पावर सिक्स आएगा, फिर वापस से क्या आएगा nth पावर ऑफ कॉट फिर से आएगा कि नहीं, कॉट टू द पावर सिक्स आएगा, फिर वापस बोलेंगे टेक टू पावर असाइड, फिर फोर पावर बचेंगे। ओके फिर वापस से वो कॉट स्क्वायर को यानी कि सब चेन बनते जाएगा, वही वो सेम 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 सिस्टम को फॉलो करके चेन बनते जाएगा और ये पावर कम 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 होते जाएगा कि नहीं, लास्ट वन आपका टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा। एक तो लास्ट में कॉट स्क्वायर बचेगा, इवन पावर से स्टार्ट किया तो कॉट स्क्वायर बचेगा, तो कॉट स्क्वायर इजीली इंटीग्रेबल है, कैसा कॉट स्क्वायर की जगह पर कोसेक स्क्वायर माइनस वन लिख दिया तो इंटीग्रेबल, या फिर ओनली कॉट बचेगा अगर और पावर लिया तो कॉट बचा तो वैसे भी कॉट इज इंटीग्रेबल, यानी कि रिड्यूस होते 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 लास्ट टर्म भी इंटीग्रेबल हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से बाकी वाले हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसे फॉलो करना है। ठीक है तो राइट ऑफ दिस वन, अब इसको चेन को हम कंटिन्यू करेंगे। सी हियर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू द पावर एट इंटू कोसेक स्क्वायर, ये जो स्टेप है यहाँ देखो, यहाँ से ये आपका क्या आने वाला है कॉट की पावर एट कोसेक स्क्वायर, और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कॉट का पावर सिक्स इंटू कोसेक स्क्वायर आएगा। पूरे इंटीग्रेंड को जब कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तब क्या आएगा, इधर आने वाला कोसेक स्क्वायर और ये वाला कोसेक स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा कॉमन। आपको समझ में आ रहा है यहाँ से, ये वाला कोसेक स्क्वायर आने वाला कोसेक स्क्वायर जब कॉमन निकल जाएगा तब क्या बनेगा, ब्रैकेट के अंदर कॉट टू द पावर एट माइनस कॉट टू द पावर सिक्स ब्रैकेट कंप्लीट, और बाहर में रहेगा कोसेक स्क्वायर, और ये माइनस से जब ऐसे माइनस वन को इंटू करेंगे इससे कर दिया तो इसको ज्वाइन करके कोसेक स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और माइनस ऑफ दिस इंटू माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा प्लस कॉट टू द पावर सिक्स आएगा। ओके तो उसके बाद में देखो स्टेप लिखे अपन ने जो कॉमन निकाले भी समझ में आ गया, और ये आपका कॉट टू द पावर सिक्स जो आएगा उसे भी हमने कर लिया टेक टू पावर असाइड, यानी कि कॉट टू द पावर जो सिक्स आएगा अभी आकर दिखाया नहीं किसी को भी, सब मन के मन में सोचा ये आएगा कॉमन निकाल लिया ये आएगा तो उसको ऐसा करके ऐसा लिखा जाएगा, और इतना फास्ट अलाउ है क्योंकि चेन चेन बनते जा रहे हैं, स्टार्टिंग के डिपली लिख रहे, फिर थोड़ा थोड़ा आप फास्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये देखो ये आ गया। अब फिर से वापस से ये रहा जैसे का वैसा, फिर क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, और आने वाला कोसेक स्क्वायर माइनस वन को कॉट टू द पावर फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप समझ में आ गई, क्या था यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस वन था इसकी जगह पर, और फिर कॉट टू द पावर फोर इंटू कोसेक स्क्वायर कॉट टू द पावर फोर इंटू माइनस वन कर दी, ये स्टेप आ गई। ओके फिर ये वाला कोसेक स्क्वायर और ये वाला कोसेक स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट में कॉट एट पावर में माइनस कॉट सिक्स पावर में प्लस कॉट पावर में फोर, बाहर रहेगा कोसेक स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर बचेगा कॉट स्क्वायर अगेन, फिर कॉट स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस वन, ये ऐसा रहेगा। यहाँ से एक स्टेप पूरे देखो, ये वाली एक स्टेप है, समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो टर्म सब पूरा इंटीग्रेबल हो चुका है लेकिन इतने पोर्शन में सब्स्टिट्यूशन है और इतना जो है वो डायरेक्टली है,
तो हम क्या करेंगे, इन जनरल कॉट की पावर एन में कोसेक स्क्वायर हुआ तो क्या इंटीग्रल निकलेगा, उसको इन जनरल निकाल के दिखा रहे कि अगर ये गुड प्रेजेंटेशन है, एन आर एन इज इक्वल टू कॉट के पावर एन इंटू कोसेक स्क्वायर होता, एन की जगह कुछ भी 2, 4, 6, 8 वट एवर, तो देन हम क्या करते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करते हैं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली माइनस कोसेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आता, और माइनस को बाद में डी टी के पास में ट्रांसफर करते थे, तो कोसेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस डी टी बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो आई एन इज इक्वल टू इसका जगह टी का पावर एन, इसकी जगह क्या आएगा माइनस डी टी, और ये रहा आपका माइनस बाहर, एलएफ की पावर एन का इंटीग्रल एन प्लस वन, और नीचे में भी एन प्लस वन आएगा, और फिर टी की जगह पर कॉट एक्स पुट कर देंगे। ओके, तो कॉट एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यूजिंग दिस वन, इसका यूज करके जो हमने इन जनरल बताया गया, तो यहाँ पर इंटीग्रल में क्या आएगा बोलो, बोलो माइनस रहेगा सामने, और किसका आएगा कॉट की पावर 9 अपॉन 9 माइनस कॉट का पावर 7 अपॉन 7 प्लस कॉट का पावर 5 अपॉन 5 फिनिश, बाहर माइनस था उसका निकल जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एलएफ का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉट एलएफ माइनस कॉट एक्स, और एक्स का अपॉन का 1 ही आएगा डेरिवेटिव, ठीक है, और माइनस वन का इंटीग्रल आएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो राइट ऑन दिस वन। हाँ एक मिनट, यहाँ जो सिली मिस्टेक हो चुकी है ध्यान रखो, उस सिली मिस्टेक में ऐसा हुआ है कि कॉट के पावर 4 से जब इसे इंटू करेंगे कोसेक स्क्वायर और माइनस वन को इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कॉट टू द पावर 4 आएगा। अच्छा, और एक चीज, एक कदम चेन आगे बढ़ेगी, यस, यहाँ पे फिलहाल इस स्टेप को मिटा देते हैं पूरा, ठीक है, इसको मिटाने के बाद वापस से इसकी जगह से कॉट स्क्वायर को बाजू में निकालेंगे, फिर उसको कोसेक स्क्वायर माइनस वन करेंगे और पूरे रूल्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, अब यहाँ तक के लिखो और इस स्टेप को थोड़ा मिटाना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ओके, हाँ लिखो। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ करेक्शन कर लिया गया है पूरी तरह से, कॉट टू द पावर 4 और एक बार चेन स्प्लिट होगी आपकी, फिर कॉट स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके ये आपका स्टेप आगे आ चुका है, ठीक है, सारे कोसेक स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, साइन जो साइन है उसके बारे में आपको अच्छे से देखना है, माइनस प्लस प्लस माइनस व्हाटएवर। अब यहाँ पर इस कॉट स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस वन और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके, लेकिन बाकी जगह पर जो है ये फंक्शन ऑफ कॉट के डेरिवेटिव में कोसेक स्क्वायर आता है, तो इन जनरल मैंने जैसे कि पहले आपको समझाया, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इन जनरल, इसके जैसा आंसर में क्या आएगा कॉट टी का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन आएगा कि नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग सभी जगह हम फॉलो कर लेंगे और इसकी जगह कोसेक स्क्वायर माइनस वन लिखकर उसे भी इंटीग्रेट कर देंगे, ओके, राइट डाउन दिस वन। सो फिर ये स्टेप इन जनरल हमने प्रेजेंट करके यहाँ इंटीग्रेट डायरेक्टली 9/9 पावर 9 7/7 पावर 5/5 पावर 3/3 लिख दिया, ओके, और